वेलकम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम से संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके तहत झारखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम की जो तिथि है, यानी कि दोस्तों जो डेट है, अब जो है ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आप लोग को पूरी डिटेल बताऊँगा कि कब जो है झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा, और जैसे ही जारी होते हैं तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं वो कौन से वेबसाइट के माध्यम से झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम है उसे सबसे पहले चेक कर सकेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आप लोग को पूरी डिटेल दूंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस प्रकार के झारखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई भी अपडेट से संबंधित वीडियो हम जब चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां पर जो आर्टिकल लिखी गई है हिंदुस्तान के तरफ से ऑनलाइन माध्यम से, उसे सबसे पहले यहां पर पढ़ के मैं आप लोग को बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड बोर्ड 10वीं 2023 का रिजल्ट किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और 12वीं का रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होता है, हिंदुस्तान में पहले ही जो है डिटेल्स लिए जाते हैं, और उसके बाद जब भी रिजल्ट जारी होते हैं तो आपको जो है आपका जो रिजल्ट है वो आपको ईमेल के माध्यम से आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट आपको देखने को मिले, तो दोस्तों आप यहां पर अपना रोल नंबर, नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और कक्षा जो है यहां पर आप सेलेक्ट करके जो है यहां पर सेंड कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों आपको जो है अपना शहर को यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा। झारखंड के अंतर्गत आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, आप अपना यहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहां पर सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जो डेटा है वो आपका हिंदुस्तान के पास चला जाएगा, और वहां पर जैसे ही आपकी जो है रिजल्ट जारी होती है तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात हम लोग कर लेते हैं कि परीक्षा परिणाम कब जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम लोग नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो हिंदुस्तान की तरफ से अपने आर्टिकल के अंतर्गत डिटेल जानकारी दी गई है कि कब जो परीक्षा परिणाम है उसे जारी किए जाएंगे। तो यहां पर मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूं। यहां पर साथियों, आप देख सकते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेईसी या झारखंड बोर्ड हर वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करता है। जेईसी 10वीं परीक्षा 2023 का आयोजन मार्च से अप्रैल माह के बीच में कराया गया। हर वर्ष जेईसी 10वीं परीक्षा में करीब 4.5 लाख विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पिछले वर्ष जैक मैट्रिक परीक्षा 2022 में 92.19% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हुए थे। इंटर में 92.25 जो स्टूडेंट्स थे वो पास हुए थे। यहाँ पर जैक बोर्ड 10वीं में जो लड़कों का रिजल्ट है, यानी कि दोस्तों जो बॉयज का जो परसेंटेज है 95.71% है, और लड़कियों का जो परसेंटेज है वो 95.50 है। दोस्तों, यहाँ पर और भी डिटेल दी गई थी, जिसमें कितने जो विद्यार्थी थे वो फर्स्ट डिवीजन हुए थे, कितने विद्यार्थी सेकेंड डिवीजन हुए थे। तो दोस्तों, हमें दोस्तों इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें 2023 की जो डेट है, किस तिथि को झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम है वो जारी होंगे, उसे जानना है। तो दोस्तों, हम थोड़ा नीचे आएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जेईसी 10वीं परीक्षा परिणाम 2023 मई माह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के नतीजे livehindustan.com पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर क्लियर कर दी गई है कि मई माह के अंत तक, यानी कि दोस्तों जो डेट यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि 31 मई को झारखंड बोर्ड के तरफ से अपनी 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम को जो है जारी किया जा सकता है। ऑफिशियली झारखंड बोर्ड के तरफ से अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जो न्यूज रिपोर्ट है उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि 31 मई को जो परीक्षा परिणाम है उसे जारी दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही परीक्षा परिणाम जारी होते हैं, सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार के और भी झारखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।